भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के योगदान पर आधारित फिल्म राग देश के निर्देशक व राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता दिग्विजय ढुलिया का कहना है कि उनकी फिल्म का उद्देश्य बोस की रहस्यमय मौत के संबंध में नहीं है। ढुलिया का कहना है कि उनके लिए पता लगाना दिलचस्प रहा कि ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता केवल संवाद और वार्ता से नहीं बल्कि खून और पसीने से हासिल हुई है। इस फिल्म में कुणाल कपूर, मोहित मारवा और अमित शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। कुणाल ने फिल्म के ट्रेलर को ट्वीट पर जारी करते हुए लिखा, राग देश की कहानी के बारे में ढुलिया ने आनंद को बताया, इतिहास का छात्र होने के नाते मेरे लिए जानना दिलचस्प रहा कि हमारे स्वतंत्रता केवल वार्ता व संवाद से ही नहीं मिली, जो हम बहुत समय पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं कि विजेता इतिहास लिखते हैं। इस फिल्म में मैंने हमारी आज़ादी के आंदोलन में INA की भूमिका को उजागर किया है, लेकिन राग देश बोस की रहस्यमय मौत की बात नहीं करती। आपको बता दें कि यह फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आनेस्ट रिपोर्ट।